कहो मिट गई खुजली या थोड़ी बहुत अभी बाकी है। अबे अगर बाकी है तो वो भी तुम्हारी मिट जाएगी। जो स्टेम्बा बबूमा उर्फ दिमागी दरोगा की बात नहीं मानता है वो बाद में ऐसे ही सिर पीट पीट के पछताता है। विश्व चैंपियन बनने चले तो सोचे भारत को बुला के भैया हरा के सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल लेंगे। खेल गई सीरीज, बन गए चैंपियन। अबे भारत की ये पुरानी आदत है, बेशक भारत अपने घर में कोई सीरीज हार जाए लेकिन जब भी दूसरे के घरों पे चढ़ाई करता है बिना जीते लौटता नहीं। अरे भैया हमको सब पता है, हमारे ऊपर तो बीत चुकी है। अब देखो एकदम तमाशा चल रहा, एक तरफ बबरुआ से शुरीक खड़ा ढोल बजा रहा और इधर कोहली रोहित है बुमरा भैया क्या कप्तानी की है। देखो तमाशा देख रहे सब, तुम पैर फैलाए पड़े हो जमीन पर, बे उठो से शुरी का है बेइज्जती करवा रहे। तमाशा तो वैसे ही तुम्हारी टीम का बन चुका है। ए दरोगा जी बर्बाद हो गए, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे ये वो टीम नहीं है जो बिल्लू टीम से खेली थी। अबे सही बता बे कहलिया, सही बता क्या खिला के लाया अपने लोंडो को। अरे भैया घर में जब ये नहीं चल रहे थे लेकिन हमारे घर में तो गेंदे फाड़ रहे। वो तुम्हारा यशस्वी जायसवाल। अरे भैया वो तो रोहित कोहली से भी खतरनाक खेल रहा है। और भैया बॉलिंग, अरे बॉलिंग की तो बात ही मत करो, ये बैठा है जसप्रीत बुमराह। अरे भैया ऊपर कप्तान भी है। अबे जरा भी तरस नहीं खाया टिम्बर दरोगा जी, इन्होंने जरा तरस नहीं खाया कि पैट कमिंस की बेइज्जती कितनी होगी। कितनी टारगेट लगाई हमारे स्टेरविस हेड ने लेकिन बेचारे की एक भी न चली। इसको भी बुमराह ने ही निपटा दिया। सोचे भैया कम से कम 250-300 पहुंच जाएंगे। अबे लेकिन भारत की इतनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक भी न चली। अबे बबरुआ बट मजा ले बे, मत मजा ले, जीता कोहली है खोपड़ी ढोल तू बजा रहा। अबे क्यों हमारी बेइज्जती बेइज्जती करने तुला है। बाबे बा कोहली मान गए भाई मान गए, हमारी गैर मौजूदगी में जो तुम टीम को पहला ही मैच जितवाए हो भैया मान गए। तुम्हारे दिमाग को नाम तो रख दिया था कप्तानी में जसप्रीत बुमराह का। अबे लेकिन हमको पता था पीछे पूरा काम हमारा कोहली संभालेगा और भैया संभाला भी है। अबे सबसे ज्यादा कोहली हमको खुशी हो रही तू फॉर्म में आ गया है भैया, सेंचुरी ठोक दी है। और भाई जसप्रीत बुमराह हो तुम्हारे ऊपर तो रोहित को घमंड है कि भाई हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है। अरे जब भी ओवर फेंकने आता है कोई न कोई विकेट लेके जाता है। अरे भाई बुमराह तुम टेंशन मत करो, अबे हमारे कप्तानी छोड़ने के बाद तुमको ही टीम इंडिया कप्तानी मिलेगी, तुम ही भविष्य के कप्तान हो। अरे हाँ बे हाँ रोहित, वैसे शुरू फॉर्म बहुत गड़बड़ा गई थी, दुनिया सवाल उठाने लगी थी। अबे अब तुमको भी फॉर्म में आना होगा, देखो हमारा वल्ला तो फॉर्म में आ गया है। अब जैसे भी हो भैया तुमको भी खतरनाक शुरुआत करनी है दूसरे मैच। ऊपर से अपना राहुल भी फॉर्म में आ गया है, वो तो बेचारे सेंचुरी होते होते रह गया। अबे लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि बाहर किसको करे, अब जब तुम टीम में आओगे तो एक को तो बाहर करना ही पड़ेगा। अबे लेकिन ये सब टेंशन बाद में निपटाएंगे, आज भैया खुश होने का माहौल बनाओ क्योंकि आज हम लोग को इस सीरीज का पहला ही मैच जीतने की खुशी नसीब हुई है और ऊपर से भैया हमने सेंचुरी भी मारी है। जाओ सेंचुरी की, सेंचुरी लगाने की तब तुम लोगों की आदत हो चुकी है। अरे भैया ये तो टेस्ट है, तुम्हारे लौंडे लफारे T20 में सेंचुरी ठोक रहे। वो संजू आ देखो उसको मौके नहीं मिल रहे थे, हमारी सीरीज के खिलाफ उसे मौका दे दिया, दो सेंचुरी ठोक दिया वो भी T20। ऊपर से तिलक वर्मा, अरे भैया तिलक वर्मा तो लगातार 2 मैचों सेंचुरी ठोका T20। अरे उठो भाई धनानंद, अब कैसे पड़े हो, बेइज्जती हो चुकी, अब अगले मैच की तैयारी करो चल के। हमें नहीं लगता कि तुम अगला मैच भी जीत पाओगे जिस तरह से तुम्हारी टीम खेल रही। वैसे आपके टर्बिश हेड तुलवेश्वर महाराज कुछ नहीं होगा भैया, ये बहुत टारगेट लगाए लेकिन भारत के सामने कहाँ किसी की चलती है। अबे बूम बूम बुमरा कहती है हम दुनिया हमको। अबे सुनिए जो भी हमारे सामने आएगा वो गुमराह हो जाएगा। अबे भैया रोहित टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, अगर अगला मैच तुम नहीं खेलोगे फिर भी ये जसप्रीत बुमराह कारोबार संभाल लेगा। देखो भैया मातम सा छाया है, क्यों नहीं छाई, क्यों पहला मैच दिन दहाड़ी हराया है। अबे लेकिन कोहली रोहित अबे तुम दोनों लोग सुन लो, हर हालत में सीरीज 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरानी है क्योंकि भैया ये सीरीज तो सिर्फ बहाना है, हम लोगों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है।